हेलो, हाँ सविता भाभी कैसी हैं आप? क्या आप हमारे घर आ रही हैं? पर हम लोग तो मनाली आए हुए हैं। फोन लैंडलाइन पे किया है। हाँ, पर लैंडलाइन भी साथ लेके आए हम। हाँ, वो लैंडलाइन साथ ही लाए। क्या है, बचपन से लगा हुआ ना घर में, तो केला थोड़ी ना छोड़ के जाते उसको। हाँ ठीक है, हाँ अगले हफ्ते बताएंगे आपको वहीं से। ओके ओके। छा गया गुरु, छा गया। लोग कहते हैं कि जो मेहमान होता है वो भगवान का रूप होता है। हाँ। ये गिटार वाला प्रद्युम्न है ना, ये 6 दिन मेरे घर पे मेहमान बन के रुका, ये कहां से भगवान लगता है आपको? गठोटकच लगता है, गठोटकच। मेहमान, डकार और छींक, इनको जितना मर्जी रोक लो, आ ही जाते हैं किसी ना किसी बहाने। जबरदस्ती। अब मेरे एक दोस्त की नई नई शादी हुई, उसकी सुहाग रात वाले दिन ही एक मौसा मुसड़ू बन के घुस गया घर में। कबाब में हड्डी। हाँ, अब एक कमरे का फ्लैट, अब कहां मौसा सोए, कहां दुल्हन जागे। और बात ये नहीं कि मेहमान आज के जमाने में आते हैं, मेरे पिताजी बताते हैं कि मेहमान पहले बड़े आते थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके फूफा जी इतना आते थे हमारे घर, इतना आते थे कि उनके फूफा के चक्कर में मैं 2 साल लेट हुआ। डिले हो गया, डिले। और कुछ मेहमान तो इतने ढीठ होते ना बाजी, कई बार किसी मरीज का पता लेने जाते ना, खुद कुछ नहीं लेके आएंगे घर से, उल्टा मरीज के चीकू खा जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा मेरा दोस्त है जो मेहमानों को भगाने के टिप्स बता सके हमें? ये जी मैडम। अरे वाह वाह जी मैडम। मेहमान आते तो बहुत इरिटेट होता है घर में, अपना सब काम बिजी हो जाता है उनके पीछे, फिर हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। अगर मेहमान नहीं समझते तो बाथरूम में जाते हैं तो नल बंद कर देना। तो मतलब आपको मेहमान पसंद नहीं है तो बाथरूम में जाए तो नल बंद कर दो। तो जैसे अभी आपको भेजना हो तो कौन सा नल बंद कर रहे हैं? चलिए खैर, शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा है आपने टिप्स दिए कि नल बंद कर देना चाहिए। शुक्रिया, बैठ जाइए जी। नाक बंद कर दो तो जी। आप क्या कहना चाहती हैं? सॉरी टू से सर, पर मैं ये चीज बोलूंगी, आप कभी किसी घर मेहमान बन के नहीं जाते? मैं अक्सर ही जाता हूँ मेहमान बन के, अक्सर ही आता हूँ। और जिसने बुराई की है वो भी नहीं जाते? पूछना चाह रहा हूँ उनसे। बिल्कुल सही बात कही आपने, तो आप बुरा मान रहे हैं। बहुत गलत चीज है ये। अगर आप सोचो ये चीज जो इन्होंने बोली है, या ये सोचे इनके ऊपर ये चीज आए, अगर कोई इनके साथ करे या कोई आपके साथ ऐसा करे तो? मेरे साथ बिल्कुल कर सकते हैं आदमी, लेकिन अगर आप किसी के यहाँ मेहमान बन के आए तो ये मेरी गारंटी कोई इरिटेट नहीं होगा। आप आए तो सही, आप बुलाए तो सही, आप बुला तो लो, आप आइए तो सही, हम सारे नल खोल देंगे आप। और मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने की छुट्टी लेकर आइए। आपने अच्छी बात बोली कि मेहमानों से इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग भी कभी ना कभी किसी के घर पे मेहमान बन के जाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब आपसे। जी जी, आपको अगर अपने घर में 3 मेहमान बुलाने का मौका मिले, शकीरा, माधुरी दीक्षित या चंकी पांडे, तो किसको इन्वाइट करना चाहेंगे आप? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को बुलाना चाहेंगे, तो डॉक्टर नेने को भी बुला लें साथ में। उन्हें को भूल गए। नहीं, माधुरी दीक्षित को देख के जो आपको बुखार आएगा, तो इंजेक्शन ठोकने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। माधुरी दीक्षित को बुलाएंगे। भाभी जी आई साथ में हैं? उनको पता चलेगा कि आप माधुरी को बुलाने की सोच रहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। फिर कुछ भी हो सकता है। यंकी, यंकी, छा गया गुरु आज तो। शर्मा, कम प्लीज। अंग्रेजी, मुझे छुट्टी चाहिए यार। छुट्टी उनको दी जाती जो लोग कुछ काम करते। तू काम क्या करता बे? मतलब मैं काम नहीं करता। मैं तो
कौन सा काम करता है, इतना बदतमीज है। कल मैंने इसको बोला कि मेरे सारे कपड़े जितने भी गंदे जाके धो दे, इतना बेवकूफ आदमी है, मेरा पजामा खींच के ले गया ये। शुक्र करो आपको नौकर श्री मिला है अच्छा, वरना पजामे से ज्यादा गंदा कच्छा था। अगर आपने मुझे छुट्टी नहीं देनी तो ठीक है, मेरी तनख्वाह दो और निकाल दो। तनख्वाह? Yes. कितनी कितनी छुट्टी चाहिए तेरे को बोल। लाइन पे 2 घंटे की, मैं लड़की देखने जा रहा हूं। तो तू शादी करने जा रहा है? नहीं शादी नहीं, वो गर्ल्स कॉलेज के सामने खड़ा होकर देखूंगा। बाजी हम तो गरीब आदमी, हमें लड़की किसने देनी है? हमें तो कोई रास्ता नहीं देता, लड़की कौन देगा? बस प्लीज मुझे छुट्टी चाहिए। दफा हो जाए, फालतू के कामों के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है मुझे छुट्टी ना दो, मैं बुआ से छुट्टी मांग लूंगा, उसकी तरफ से तो मुझे खुली छुट्टी है। मालिक देना छुट्टी, 2 घंटे में आ जाऊंगा और 10 रुपए भी दे। 10 रुपए? इतने पैसों का क्या करेगा बे? इतने पैसों का क्या करूंगा? सिद्धू पैसे 2 रुपए का बंगलो लूंगा, 2 रुपए का उसमें फर्नीचर डालूंगा, 2 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करूंगा, 4 रुपए बैंक में जमा करवाऊंगा ताकि मेरे बच्चों के फ्यूचर में काम आए। वाह कमाल कर दी यार। क्या सोच है? 10 रुपए चाहिए, बस का किराया चाहिए मुझे। तू बस में जाएगा? हाँ। हमारा पैदल कहाँ गया? क्या दफा आ जाए पैदल निकल, मैं अभी मार्केट है कितनी दूर पे, ये वॉकिंग डिस्टेंस है 25 किलोमीटर, मैं भी जाके आता हूँ पैदल। 2 किलो कम हो जाएगा। देखे मालिक आपकी बात तो अलग है, मैं 25 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता, 2 पैरों पे कैसे जाऊं मैं? मेरी बात अलग है। हाँ? तेरे 2 पैर, मैं साले केकड़ा हूं। मैं जाना तो जा, पैदल जाने तो कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, दफा जा यहां से। भगवान किस घर में फंस गया हूं मैं। सिद्धू भाजी मैं और मेरे दोस्त ने ना इकट्ठे नौकर का कोर्स किया था। आज वो करोड़पति है सिर्फ अपने मालिक की वजह से। मालिक की वजह से कैसे भे? उसने अपने मालिक को मार कर ना सारी जायदाद हथिया ली थी। सही चल रहा है। मेरी किस्मत खराब, मैं ये भी नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? मतलब क्या, जायदाद के नाम पर आपके पास है क्या? एक बाथरूम में कुंडी तक तो है नहीं है। यकीन करें कमोड के ऊपर बैठ कर ना दरवाजे को पैर से ऐसे रखना पड़ता है। बिच्छू, हे बिच्छू। अच्छा सुनो, क्या हुआ, क्यों चिल्ला क्यों रही है? अरे मुझे एक बात बताओ, घर पे खाने पीने का सारा सामान है ना, जैसे दाल चावल वगैरह 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 सब दादी वगैरह वगैरह है, बाकी कुछ नहीं है। और तुम क्यों चिल्ला रही हो दादी? अरे मैं क्यों, मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही हूँ, ये देख चिट्ठी आई है, मेरे दूर के सगे भाई की चिट्ठी, वो आ रहा है। दूर का कौन सा सगा भाई होता भाई? बिट्टू हम दोनों के बीच में 8 भाई बहन है ना, तो दूर का सगा भाई हुआ ना, उसकी चिट्ठी। ये दे दे चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी। हाँ भाई, ये कौन से जमाने का भाई है जो अभी भी चिट्ठियां लिख रहा है, टेलीफोन नहीं उसके पास? नहीं नहीं उसने फोन किया था पर लगा नहीं, कस्टमर केयर वाले ने कह दिया इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, सॉरी कॉल लेटर, तो उसने लेटर लिख दिया। काफी देर से होल्ड पे था, खोल के देख। हाँ खोलता हूँ खोलता हूँ। प्रिय बहन चंद्रकला, मैं जिंदा हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अभी तक जिंदा होगी। यहाँ कुशल मंगल दोनों मर गए हैं। मैं बैल की जोड़ी लेने की सोच रहा हूँ। अच्छा किया। मुझे ये बताते हुए बहुत खांसी हो रही है, सॉरी खुशी हो रही है कि मैं तुमसे मिलने शहर आ रहा हूँ। जैसी हमारे देश की डाक व्यवस्था है, हो सकता है ये चिट्ठी मैं खुद ही आकर रिसीव करूँ।